नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बाहुबली अतीक अहमद आजकल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में छाया हुआ है। गुजरात से प्रयागराज में पेशी पर लाकर फिर वापस साबरमती जेल में लौटने तक हर कदम की खबर सुर्खियों में रही है। माफिया रास्ते में टॉयलेट के लिए उतरा तो भी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। उसे वापस ले जाते समय टॉयलेट तक ले गई पुलिस ने कुंडी नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, फिर उसे पुलिस के सुरक्षा घेरे में ही वापस ले जाया गया। प्रयागराज से निकलकर चित्रकूट झांसी के रास्ते उसे गुजरात के साबरमती जेल तक पहुंचाया गया। रास्ते में नित्य क्रम के लिए माफिया को पुलिस सुरक्षा घेरे में ही टॉयलेट ले जाया गया। पुलिसकर्मी अतीक को साथ में लेकर टॉयलेट तक आए। उसने वेस्टर्न टॉयलेट में जाने की बात कही। अंदर जाकर वह कुंडी लगाने लगा तो पुलिसकर्मियों ने ऐसा करने से रोक दिया। हिदायत दी गई कि अंदर जाकर कुंडी मत लगाना, बस दरवाजा बंद कर लो। इसके बाद फिर काफिला आगे की तरफ बढ़ा। बीते दिनों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेशी के लिए अतीक को गुजरात की जेल से यूपी लाया गया था। अतीक को लाने के लिए 40 सदस्यों वाली स्पेशल टास्क फोर्स कोर्ट का ऑर्डर लेकर गुजरात गई थी, जिसके बाद उसे सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया था। अतीक के भाई अशरफ को भी पुलिस ने बरेली जेल से वापस भेज दिया है।